कथित थी माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण जी, विशिष्ट अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के को चेयरमैन और सदस्य श्री शिवकिशोर गौड़ जी, हमारे जिले के जिलाधिकारी श्री सुहास हलवाई जी, हमारे प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट मंजीत सिंह चौहान जी, जिला जज एमएसईडी नरेंद्र कुमार पांडे जी, हमारे डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट रामबलन सिंह जी तथा समस्त न्यायिक अधिकारीगण और हमारे सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी इस शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाई। एक और थोड़ी व्यवस्था रही थी, क्योंकि हमारा पहला कार्यक्रम था, हमारे सचिव साहब ने कुछ हो सकता है कुछ हमारे अधिवक्ता साथी रह गए जिनका मान्यार्पण नहीं कर पाए और जिसमें कुछ पूर्व सचिव भी रहे, हो सकता है हमारे सीनियर अधिवक्ता भी रहे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारे सचिव साहब की तरफ से गलती हुई है, क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से इस तरह का कभी मौका नहीं मिलेगा और हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे। चूंकि पहला कार्यक्रम था, नया कार्यक्रम था, शपथ ग्रहण उससे पहले एक दो बार ही हुआ है, तो इसलिए गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। अब चूंकि शपथ ग्रहण समारोह है, इसमें एक ये मान के चला जाता है कि चूंकि अध्यक्ष धन्यवाद प्रस्ताव ही देता है, तो मैं लेकिन इससे लीक से हटकर कुछ कहना चाहता हूँ कि धन्यवाद के अलावा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही अधिवक्ता साथियों को सबसे पहले ये बधाई दी हूँ कि आपने जो हमें जिम्मेदारी दी है उसका अपने आपके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारी मैं स्वयं और हमारी नवनिर्वाचित पदाधिकारी जो भी कार्यकारिणी चुन के आई है आपके विश्वास पर खरा उतरेगी, उसके लिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ। साथ साथ ही जो मैं ये कह रहा था लीग से हटके कुछ कहना चाहता हूँ, तो लीग से हटके एक तो चेयरमैन साहब से और अपने एजे महोदय साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी एजे साहब से बताऊँ, एजे साहब से रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल कोर्ट है, चाहे लारा कोर्ट है, चाहे और या कंज्यूमर फॉर्म में हमारे गेट की समस्या है, ये मैंने पहले भी डिस्कस की थी चेयर एजे साहब से, मैं गया था साथ में, एक और जो भी एजे साहब ने स्वयं भी बता दी कि जो नए युवा अधिवक्ता हैं इनके चैम्बर का जो मैप अलाहाबाद हाईकोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के साथ पेंडिंग है उसके बारे में आप हमारी मदद करें, हम आपके आभारी रहेंगे। दूसरा एक हड़ताल का इशू आया था, चेयरमैन साहब ने भी कहा था, एजे साहब ने भी कहा था कि स्ट्राइक कम से कम हो, स्ट्राइक सचमुच में ही कम से कम होनी चाहिए, हम स्ट्राइक के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, कोई भी अधिवक्ता स्ट्राइक के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन लॉर्डशिप और चेयरमैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें अधिवक्ताओं का सम्मान जुड़ा होता है, कुछ उनके साथ जब नाजायज चीज़ें होती हैं तो मजबूरी में ये सारे स्टेप उठाने पड़ते हैं, उसके लिए जिस तरह से अधिवक्ताओं को चीफ जस्टिस भी और अलाहाबाद हाईकोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये बार बार गाइडलाइन जारी करते रहते हैं कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हड़ताल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ में प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, चाहे यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का जिनका काम है, इस पर इस तरह की अगर डायरेक्शन हो तो बड़ा अच्छा लगेगा और उसमें आपस में इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और उसके बावजूद भी अगर कोई गलती हम लोगों से हुई है, किसी संचालन में गलती हुई है, तो उसके लिए क्षमा करता हूँ। धन्यवाद। सभी सम्मानित अधिकारी।